हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको नई वीडियो में। इस वीडियो में एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जिसको आज तक बहुत सीक्रेट रखा गया है। वो कौन सी जगह और जगह के अंदर क्या खास है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय जगह जिसके बारे में लंबे टाइम से बात हो रही है। कुछ बातें तो सच होती है तो कुछ बातें अफवाह होती है। एक ऐसी जगह अमेरिका के अंदर, इस जगह का नाम एरिया 51 है। ये बात है 1947 की, जब अमेरिका में UFO को क्रेज चल रहा था। 1947 में न्यू मेक्सिको के अंदर एलियन विमान गिनने की बात कही जा रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि उस प्लेन की स्पीड लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। इसके पायलट को प्लेन को पकड़कर यहाँ पर रखा गया है, ऐसा कई लोगों का दावा है। यहाँ पर उन एलियंस को पकड़कर उस पर टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में नेवादा में रेगिस्तान के बीच में एक एयरफोर्स बेस भी स्थित है। इस जगह का इस्तेमाल अमेरिका एयरफोर्स द्वारा ट्रेनिंग रेंज की तरह किया जाता है और इस जगह पर आम लोगों का जाना मना ही है। इस एरिया के अंदर 24/7 इस जगह पर निगरानी रखी जाती है। इस एरिया के ऊपर प्लेन उड़ने पर सख्त मना ही है। यहाँ पर लगभग 12,000 फीट लंबा रनवे बताया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार US मिलिट्री का कहना है कि यहाँ पर एडवांस हथियार की टेस्टिंग और ट्रेनिंग दी जाती है। एरिया 51 को अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध के दौरान इसे बनाया गया था। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का कहना है कि इसे आर्मी एयरफोर्स के पायलटों के हथियार टेस्ट करने के लिए किया गया था। इस जगह को साल 1955 में बना लिया गया था, मगर इसे CIA ने ऑफिशियल 2013 में माना गया था। एरिया 51 की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी गई है। इसी एरिया के अंदर एरिया में रोजवेल का मलबा मिला था, इसलिए यह UFO का केंद्र माना जाता है।